ये अभी जो लास्ट फ्लैट आपने देखा था उसमें आंटी मानी है 15,000 पर, और उसकी वो जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 बोल रही थी। कंपनी के नाम पूछने के बाद भाई मेरी डेजिग्नेशन पूछी, एंड उसके बाद भी भाई उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछे। तो मेक श्योर करें भाई, अब जो है आपका एक इंटरव्यू यहाँ भी होना है फ्लैट लेने से पहले। एक इंटरव्यू तो आपको कंपनी में आने से पहले देना होता है, और एक लेना होता है फ्लैट देने से पहले। यार भाई कुछ दिन की बात है, रिज्यूमे भी मांगने वाले हैं यहाँ पर। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होंगे, देन आपको फ्लैट मिलेगा। वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम निकले हैं फ्लैट हंटिंग के लिए बेंगलोर में। जनरली जो है फ्लैट लेना बेंगलोर में बहुत ज़्यादा टीडियस काम होता है, बट अभी हम निकले हैं तो देखते हैं भाई कैसे आता है। पहले मंदिर हुए हैं भाई, आज गणेश चतुर्थी है, और उसके बाद अब निकलते हैं और देखते हैं भाई किस तरह जाता है। तो हमने पहला फ्लैट देखा महादेवपुरा एरिया में, और ये एक इन्फेंट रॉयल नाम की बिल्डिंग थी, इसमें एक 2 BHK फ्लैट हमने देखा। तो भाई ये है फ्लैट। अभी फ्लैट में जो है काम रेनोवेशन का चल ही रहा था। इसके अलावा ये है हमारा हॉल, और ये हमारी स्पेशियस सी किचन है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्निश भी था, और चिमनी लगाने की बात भी ओनर कर रहा था। इसके अलावा तो हमने फिर एंट्री ली थी अपने पहले रूम में, और रूम में जाते ही हमको दिखता है कि भाई वार्डरोब, फैन और लाइट वगैरह लगे हुए हैं। और अभी बाथरूम में काम भी चल रहा था, बट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम भी था। इसके अलावा दूसरे रूम भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था, और वार्डरोब वगैरह भी लगी हुई थी सारी। तो भाई जस्ट अभी एक फ्लैट देखा, और जिसका रेंट जो था यार उन्होंने 25K मांगा, और डिपॉजिट जो था यार वो 1 लाख था। तो फ्लैट अच्छा था, स्पेशियस भी था, अनफर्निश्ड था। तो आप देख सकते हैं बेंगलोर में बहुत ज़्यादा प्राइस हाई हैं। तो अभी देखते हैं और भी फ्लैट्स कैसे रहते हैं। और भाई अभी तो फ़िलहाल हम जो बैनर वगैरह लगे हुए हैं उनके हिसाब से ही चल रहे हैं, लाइक उन पर कॉल करके थोड़ी बहुत लीड्स निकाल कर। तो ब्रोकर वाली चीज़ पर नहीं गए हैं, ऑल दो अगर ये चीज़ काम नहीं आती है तो देन वी विल गो फॉर ब्रोकर एंड ऑल, उनको कॉल करेंगे। एंड देन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो होप सो, देखते हैं आगे। कैसे चल रही है फ्लैट हंटिंग अभी तक? चल रही है भाई, कर रहे हैं। तो भाई अभी हमने करोड़ा चापल्या वाला एरिया तो देख लिया, एरिया तो अच्छे हैं, फ्लैट भी अच्छे हैं, पर वो ये थोड़ा रेंट वगैरह हमसे ऊपर जाता है। और डिपॉजिट के बारे में बताओ यार, कंपैरेटिवली जैसे तुम दिल्ली वाले साइड गए हो तो यहाँ पर क्या अंतर लग रहा है तुम्हें? राम 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 भाई, डिपॉजिट है 1 से 1.5 लाख रुपए। और भाई नॉर्मली ऐसे मांगते हैं ना 1 से 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ओनली, जैसे भाई 150 रुपये मांग रहे हो भाई। अभी भाई देखते हैं, अभी हुडी सर्कल और देख लेते हैं एक बार कैसा है, बाकी बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं आगे का। अभी ये एरिया है सीताराम पल्लिया, तो एक दोस्त के थ्रू लीड मिली थी, तो अभी यहाँ आए हैं तो देखने आ रहे हैं भाई। अभी फ्लैट देखते हैं क्या बात बनती है, और मेन बात की भाई डिपॉजिट पर कितना मानते हैं, ऑल दो की कल रात हमने बात की थी। तो देखते हैं भाई नम्मा बेंगलुरु में हमको फ्लैट मिलता है या नहीं। प्रे करें यार आप भी सारे, और जो भी आ रहे हैं भाई इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अब फ्लैट वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, और भाई मेन चीज़ ये है कि इस जिस हालत में अभी आप देख रहे हो ये पूरी बिल्डिंग लगभग बुक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा आ चुका है बेंगलोर में, और क्या हालत है इस टाइम बेंगलोर की भाई। तो ये कुछ लोकेलिटी है जिसमें हम जा रहे हैं अभी। तो ये अंकल आए हैं एक, इनके साथ हमको जाना है, ये हमें गाइड करने वाले हैं, लाइक फ्लैट को लेकर दिखाने वाले हैं। चले भाई, चलो भाई कुछ नहीं मिलेगा यहाँ बेंगलोर में। दूसरा फ्लैट भी देख लिया, कैसा लगा भाई? बैड एक्सपीरियंस,
भाई इतना सा स्पेस है और भाई रेंट मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई जो है एरिया बहुत कम है पर रेंट सबके यूनिवर्सल है, मतलब किसी का अगर बड़ा रूम भी है तो वो भी सेम रेंट, और किसी का छोटा है तो वो भी रेंट सेम। ऐसा हाँ। कोई नहीं करता कि भाई रेंट थोड़ा कम लगा लें या कुछ लगा लें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यही सीन है। और भाई यहाँ की डिपॉजिट तो भैया वो तो भाई डिपॉजिट को लेके बताओ ना, जनरली नोएडा गुड़गांव में 3 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम चलता है, यहाँ चलता है 6 मंथ 5 मंथ, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये। हाँ। और भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, एक और भाई बैचलर्स की। भाई बताओ, मैं कह रहा हूँ शादी करो तब आओ बैंगलोर। यहाँ बताओ भाई बैचलर का इतना सीन फंस रहा है ना भाई, कहीं बात बनती भी है बोल के तो भाई बैचलर से सीधा मना कर देते हैं हम। ओनली फैमिली भाई, देखते हैं बाकी और देखते हैं। फिलहाल अभी हमने कौन कौन से एरिया कवर कर लिया भाई? भाई हमने सीताराम पल्लिया, कुंदना हल्ली, गरुड़ा चार पल्लिया, और भी हमने उधर लोकल में थोड़ा बहुत देखा। अभी फिलहाल हुडी सर्कल में थोड़ा देख लेते हैं, इधर देखते हैं भाई, तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हाइट फील्ड एरिया में तो ये है और पूरे बैंगलोर का ही लगभग यही हाल है। आउटर बैंगलोर में तो आसान होते हैं थोड़े से देखो लेना, बट मेन सिटी में फ्लैट मिलना मतलब समझो भाई बहुत पुण्य करें तुमने। सही बात है भाई, थक गए तो भाई अभी गौरव भाई खरबूजा ले रहे हैं, कुछ थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, काफ़ी देर घूम लें, 2-3 घंटे लगभग घूम लें, कुछ मिला नहीं है, तो एक बार ये खरबूजा खा लें तो थोड़ी एनर्जी आ जाए, फिर से फ्लैट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर बन रहा है ऑलमोस्ट, और ये जो फुल हो चुका है भाई देख रहा है, अभी तो इसमें कुछ लगा भी नहीं है, अभी से मर गया है इतने। तो भाई ये हालात है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अभी देख लो ये पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है, लगभग 1 से 2 महीने लग जाएंगे यहाँ पर, और अभी भी ये फुल हो चुका है ऑलरेडी। कम बच रहा है भाई इसमें, अप्लाई का काम होना है, इसके अलावा और भी काम है। फ्लैट तो अच्छा लग रहा है बट यार ऑलरेडी फुल है, और स्पेशली बैचलर्स के लिए तो ये भी अलाउड नहीं है। जस्ट अभी मैंने एक अपार्टमेंट देखा है, और अपार्टमेंट देखने के बाद ठीक ठाक लगा तो मैंने ओनर से बात करी। ओनर ने सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम पूछा, कंपनी के नाम पूछने के बाद भाई मेरी डेजिग्नेशन पूछी, एंड उसके बाद भी भाई उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछे। तो मेक श्योर करें भाई, अब जो है आपका एक इंटरव्यू यहाँ भी होना है फ्लैट लेने से पहले, एक इंटरव्यू तो आपको कंपनी में आने से पहले देना होता है और एक लेना होता है फ्लैट देने से पहले। और भाई कुछ दिन की बात है, रिज्यूमे भी मांगने वाले हैं यहाँ पर, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होंगे देन आपको फ्लैट मिलेगा। ये भाई हमारा गौरव भाई, ये तो शौक हो चुका है बहुत ज़्यादा भाई, मैं तो अब गाने के मूड में आ चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ पता नहीं हमने ढूंढा देश तमाम, फ्लैट कहाँ मिलेगा, हमें नहीं मिल पा रहा कुछ भी भाई, कहीं नहीं मिल पा रहा यार भाई, बहुत सारी दिक्कतें हो रखी हैं, और देखते हैं भाई आगे। और भी देखो भाई, तुम्हें तो एक फेयर आइडिया लग रहा होगा इस वीडियो के साथ, तो आप भाई प्लान करके आए हैं अपना पहले से ही। भाई हालत ख़राब हो चुकी है, पूरे दिन घूम लिए हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है भाई, सही बता रहा हूँ। वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। और भाई अभी जो लास्ट फ्लैट आपने देखा था उसमें आंटी मानी है 15,000 पर, और उसकी वो जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 बोल रही थी, तो हमने बातचीत की तो 40 पे, अभी उन्होंने बोला है कि डॉटर से पूछ कर बताएंगी, बट वो भी क्लियर नहीं है। तो भाई और वो बहुत अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो कि इतना अंदर होने के बाद भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है यहाँ पर, और भाई ब्रो आप ब्रोकर के तो हम निकल चुके हैं, 3 से 4 दिन लगा दिए भाई बिना ब्रोकर के, मिलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी तक तो नहीं मिला है। 3-4 ऑलरेडी आपने जो फ्लैट देखे हैं वो हमारी नज़र में है, बट देखते हैं भाई कहाँ डील डन होती है, अल्टीमेटली डिस्कशन करके सबसे भाइयों से फिर डील डन करते हैं। भाई बारिश भी आ चुकी है और ब्लॉगिंग चल रही है, तो थोड़ी बढ़ा देना इस वीडियो पे भाई, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई लीड मिले बैंगलोर में फ्लैट की तो भाई वो भी डाल देना। तो भाई देखो भाई बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और धूप लगी हुई है, तो भाई अभी जा रहे हैं कुछ स्ट्रीट देखें अगर यहाँ बैंगलोर में कुछ मिलता जुलता है तो कुछ है। बाकी भाई फ्लैट का तो आइडिया आपको लग ही गया है, देख लो भाई ये चेजिंग फ्लैट हंटिंग फ्लैट सब कर लिया भाई, हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई यहाँ, बहुत हम हो गए बोर
भाई मन भी नहीं कर रहा, गर्दन में दर्द हो गया भाई, सर पीठ दर्द करने लगी है, सुबह चल रहे हैं भाई, कुछ नहीं मिल पा रहा है भाई। तो भाई अभी जो है अपने दोस्त से मिलने आए हुए हैं, पीजी और फ्लैट हंटिंग तो बतेरी हो गई है भाई, अब थोड़ा एक बार देख लेते हैं दोस्त से मिलने, थोड़ा और कुछ खा पी लें। और गौरव भाई गीले हो चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी। मौसम भाई मौसम मौसम है नम्मा बेंगलुरु में मौसम है भाई, मौसम ही तो है, इसके अलावा क्या मौसम है, हमें मरवाएगा और कुछ नहीं है, मौसम मौसम सही बात है। तो भाई रात हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं, तो आज का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ कुछ पॉइंट्स जो हमें निकल कर आए। सबसे पहले तो बैचलर्स को फ्लैट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी बिना ब्रोकर के। सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि भाई डिपेंड करता है चीज़ें आपके टाइम पर भी इनिशियली, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जनरली जो फ्लैट्स के रेट्स हैं वो जनरली 50% तक भी बढ़ा दिए गए हैं। अभी जो पहले जो 10,000 में फ्लैट मिला था वो 15,000 में भी दिया जा रहा है। तो यार ये तो बेंगलोर के फ्लैट्स की कहानी है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बैचलर्स के लिए स्पेशली, अगर आपको फ्लैट कोई कम दाम में मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है। इसके अलावा भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। तो भाई अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, सी या।